दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे उद्घाटन से पहले रोड पर पहाड़ों से गिर रहे हैं बड़े बड़े पत्थर। पहाड़ों को सपोर्ट की जरूरत है, जाली नहीं लगाने से गिर रहे हैं पत्थर। बरसात में हो सकता है बड़ा हादसा। दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे का काम रतलाम व झाबुआ जिले में लगभग पूरा हो चुका है। संभावना है कि अगस्त माह में इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक्सप्रेसवे का नाम NE4 रखा है, लेकिन बरसात शुरू होते ही रास्ते पर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरना शुरू हो चुके हैं, जिस कारण से देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे रोड पर पत्थर भारी मात्रा में गिरने से हादसों की आशंका बढ़ गई है। बरसात में लगातार यहां से पत्थरों का गिरना जारी है। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है, परंतु अभी बारिश मात्र शुरुआत है। जब भारी बारिश का आगाज होगा तब मुश्किल और भी बढ़ सकती है, जिस कारण बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। कंपनी ने देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे तो बना दिया, पर उसमें सुरक्षा की दृष्टि से अभी इंतजाम नहीं किए गए। पहाड़ों पर जाली नहीं लगने से यहां पत्थर गिर रहे हैं, जिस कारण से हाईवे की रेलिंग भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अगर यह पत्थर वाहन पर गिरे तो हादसा होने से इनकार नहीं कर सकते। आपको बता दें कि दिल्ली से मुंबई तक 1380 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का 142 किलोमीटर लंबा हिस्सा मध्य प्रदेश में झाबुआ रतलाम जिले में है। भारत देश के दो बड़े शहर दिल्ली मुंबई के बीच 250 किलोमीटर की दूरी एक्सप्रेसवे के बनने से कम हो गई है। अगस्त माह तक इस 8 लेन रोड को केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी के झाबुआ आगमन के बाद शुभारंभ कर आम जनता के लिए इसे खोल दिए जाने की संभावना है। देखिए, वंदे भारत न्यूज़ से मनीष कुमट की रिपोर्ट।